हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एक नई क्लास को लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन हैं टीजीटी में, उन पर हम लोग बात करेंगे। और ये जो क्लास रहने वाली है, ये 50 क्लास, जैसे आप लोगों को दिख रहा है कि ये टॉप 50 जो क्वेश्चन है, इसको हम लोग आज करने वाले हैं। और ये जो क्लास है, आप लोगों को मिलती रहेगी आगे ऐसे ही। टॉप 50 क्वेश्चन हम लोग डेली के डेली किया करेंगे। तो हम लोग आज बात करेंगे टॉप 50 क्वेश्चन की। और ये क्लास जो है, ये क्लास हम लोगों की नंबर एक रहने वाली है। आज से हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, और वो भी टीजीटी में। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे क्वेश्चन। चलिए हम लोग समय को ख़राब नहीं करते हैं और सीधे चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन में जैसे हम लोग थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। नंबर एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निकट धन की निकटता, मतलब निकट धन की निकटता किस पर आधारित होती है। निकट धन की जो निकटता होती है वो किस पर आधारित होती है, वैधता पर, लाभदायकता पर, मान्यता पर, या फिर सरलता पर। तो हम लोग आज इसके 50 क्वेश्चन करेंगे, तो थोड़ा सा फास्ट भी करेंगे, जिससे कि हम लोगों को 50 क्वेश्चन में ज़्यादा समय ना लगे। ठीक है, तो निकट धन की निकटता जो होती है वो तरलता पर, लिक्विडिटी पर निर्भर करती है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, तरलता होता है। तरलता का मतलब लिक्विडिटी, अगर कोई बात करे कि टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी अगर हम लोग करते हैं, तो वो तरलता होती है। जैसे कि मान लो कोई संस्था होती है, उसके चालू दायित्वों का भुगतान करने पर उसमें जो स्थिति होती है, उसी को हम लोग मानते हैं तरलता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, जो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, उसमें दो ही ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम लोग दो ऑप्शन और लगा देते हैं इनको। नंबर 3 ऑप्शन में लिखा हुआ है कि कोई प्रविष्टि नहीं की जाती है। नंबर 3 ऑप्शन में लिखा हुआ है कि कोई प्रविष्टि नहीं की जाती है। और नंबर 4 ऑप्शन में लिखा हुआ है, नंबर 4 ऑप्शन में लिखा हुआ है कि एक नोट के रूप में लिखी जाती है, एक नोट के रूप में लिखी जाती है। ये जो दो ऑप्शन हैं, इसके स्किप हो गए थे टाइपिंग से। तो हम लोग देखते हैं कि तीन खाने वाली रोकड़ पुस्तक। आप लोगों को याद रखना है कि पुस्तकें होती हैं, सहायक पुस्तकें जिन्हें बोलते हैं हम लोग, जर्नल की सहायक पुस्तकें कौन कौन सी होती हैं। और अगर आप लोगों ने नहीं देखी है क्लास, तो आप लोगों को पूरी क्लास जो है वो मिल जाएंगी आप लोगों को प्ले लिस्ट में, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर नहीं देखा है तो मैं आपको थोड़ा सा रिविजन करवा दूँ कि रोकड़ पुस्तक होती है एक, और रोकड़ पुस्तक जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। तीन प्रकार की कौन सी होती हैं, एक होती है हम लोगों की साधारण रोकड़ पुस्तक, एक होती है एक दो खाने वाली रोकड़ पुस्तक। ठीक है, और इसे बोलते हैं तीन खाने वाली रोकड़ पुस्तक, या फिर इसे में बोलते हैं बैंक, और इसमें होता है छूट के साथ, बैंक और छूट के साथ जो होती है उसे बोलते हैं तीन खाने वाली। और दो खाने वाली में होता है, उसमें होता है डिस्काउंट का कॉलम भी होता है साथ में, और इसमें अमाउंट का कॉलम भी साथ में होता है, और इसमें सिर्फ अमाउंट का कॉलम होता है। तो इनकी अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, तो इन पर हम लोगों ने सहायक पुस्तकों की संबंधित क्लास दी हुई है, तो आप लोगों को सिर्फ क्लास को देखना है। अब बात आती है कि तीन खाने वाली रोकड़ पुस्तक में प्राप्त हुई नगद छूट, मतलब कि जो हमें प्राप्त हुई है छूट को, डिस्काउंट मतलब इसकी हुआ है, उसकी प्रविष्टि कब की जाएगी, कहाँ की जाएगी। तो उसकी प्रविष्टि जो की जाएगी, उसको डेबिट पक्ष में की जाएगी, क्रेडिट पक्ष में की जाएगी, या फिर कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी, या फिर एक नोट के रूप में लिखी जाएगी। तो आप लोगों को बताना है कि उसकी प्रविष्टि कहाँ की जाएगी। तो उसकी प्रविष्टि जो की जाएगी, वो इसका राइट आंसर है कि क्रेडिट पक्ष में की जाएगी, क्योंकि हमें जो नगद छूट है, डिस्काउंट देखो लिखा हुआ है कि प्राप्त, प्राप्त का मतलब होता है कि ऐसी रकम जो हमें प्राप्त हुई है, और प्राप्त हुई है तो हम लोग क्या होंगे, उससे धनी होंगे, और धनी मतलब कि क्रेडिट, और क्रेडिट होंगे तो हम लोग कहाँ रखेंगे, क्रेडिट पक्ष में रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो टी जी टी 2019 में ये आए हुए क्वेश्चन हैं, उन्हीं की मैं प्रैक्टिस आप लोगों को करा रहा हूँ। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो ज़रूर जरूर, जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो साझेदारी संलेप के अभाव में साझेदारों के मध्य लाभ हानि का वितरण समान अनुपात में होता है। ये बात आप लोगों को बतानी है कि बात सही है या गलत है। साझेदारी संलेख के अभाव में इसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड।
पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनाते हैं पार्टनरशिप में, तो लाभ हानि का वितरण समान अनुपात में होता है? तो ये बात जो है हमसे पूछा गया है, नहीं बात मतलब सही नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि साझे पार्टनरशिप डीड के अभाव में हम लोग जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं, तो उसमें जो होता है पार्टनर्स होते हैं उनका जो लाभ हानि वितरण होता है वो समान अनुपात में हो जाता है। अब अयस्क साझेदार में लाभ अपना हिस्सा प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल प्राप्त कर सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये बात बिल्कुल सही है। साझेदार के मध्य संबंध साझेदार सॉरी साझेदार के मध्य संबंध संलेख द्वारा उत्पन्न होता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। उसके बाद लिखा हुआ है साझेदारी का पंजीयन अनिवार्य है, नहीं अनिवार्य नहीं है, इसका जो पंजीयन होता है वो ऐच्छिक होता है, तो ये बात जो है वो गलत है। वो गलत तो मतलब हम लोग उनको गलत ही पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, कि निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से एक पूर्ण बाजार की पूर्ण बाजार संरचना की विशेषता है? प्रविष्टि बाधाएं, आत्मनिर्भरता, या फिर बिक्री लागतों की अनुपस्थिति, या फिर गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा। मतलब कि पूर्ण बाजार संरचना की एक विशेषता है, तो इसमें विशेषता जो पूछी गई है वो बतानी है आप लोगों को कि क्या है। तो बिक्री लागतों की अनुपस्थिति जो होती है वो इसमें एक इसकी विशेषता होती है, तो इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि मैक ग्रेगर ने प्रतिपादित किया है, मतलब मैक ग्रेगर ने कौन सा जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया था? एक्स सिद्धांत प्रतिपादित किया था, वाई सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये जो सिद्धांत हैं ये अर्थशास्त्र में है, इनका अगर आप लोगों को क्लास करनी है तो आप लोग कमेंट जरूर करें। हम लोग अर्थशास्त्र की भी क्लास को प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उसको भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। या फिर एक्स और वाई दोनों सिद्धांत दिए हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो अर्थशास्त्र में मैकग्रेगर ने सिद्धांत दिए थे, तो वो उन्होंने दोनों सिद्धांत दिए थे, तो एक्स और वाई दोनों सिद्धांत दिए थे। मैकग्रेगर कहाँ के थे? वो थे अमेरिका के। अगर पूछा जाए कि एक्स सिद्धांत जो होता है, उन्होंने दो सिद्धांत दिए थे, तो उन्होंने एक्स और वाई सिद्धांत दिए थे। हम लोग जब बात करेंगे तो इनके सिद्धांत के बारे में भी बात करेंगे कि एक्स सिद्धांत क्यों दिया था और इसमें क्या क्या है, वाई सिद्धांत क्यों दिया था और इसमें क्या क्या है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। हो सकता है मैंने बात कर दी हो, लेकिन मुझे याद नहीं है कि हम लोगों ने कौन से वीडियो में ये बात कही थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कि इनमें से कौन सा कथन हमें सही नहीं निकालना है। पुष्पपालन का कार्य विश्लेषणात्मक प्रतिकृति का होता है, पुष्पपालन का जो कार्य होता है वो विश्लेषणात्मक प्रकृति का होता है, तो ये बात बिल्कुल बताना है आप लोगों को सही है या गलत है। व्यापारिक लेन देनों का अभिलेखन करने हेतु पुष्पपालन कला और विज्ञान दोनों है, तो ये बात बिल्कुल सही है। बुक कीपिंग के बारे में बोला है और बुक कीपिंग की क्लास करा दी है। लेन देन निश्चित पुस्तकों के समूह में अभिलेखित किए जाते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है कि जो लेन देन होते हैं उनको, जैसे कि मान लो अगर हम लोगों को सेल्स के संबंधी काम है तो वो अलग पुस्तक बनाएंगे, सेल्स बुक बनाएंगे। सेल्स रिटर्न की बात करेंगे तो सेल्स रिटर्न बुक बनाएंगे। परचेज की बात करेंगे तो परचेज रिटर्न बुक बनाएंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग समूहों की बात की गई है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। पुस्तपालन लेखा पुस्तकों की अभिलेखन करने की विधि है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसकी जो जो बात है वो पहली बात बिल्कुल सही नहीं है कि यह पुस्तपालन जो होता है वो विश्लेषणात्मक प्रकृति का नहीं होता है, वो होता है रिकॉर्डिंग करने की एक विधि होती है, तो इसे बोलते हैं विधि पूर्वक हिसाब किताब की रिकॉर्डिंग करना और व्यवहारों का विश्लेषण कार्य करना, इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि फर्नीचर के लिए मांग है। फर्नीचर मांग मैंने मांग पे बताई हुई है, अर्थशास्त्र में ये मांग है कि मांग कितने प्रकार की होती है, उपभोक्ता मांग क्या होती है, उत्पादक मांग क्या होती है, तो इन पर भी मैंने क्लास की हुई है। स्थायी मांग क्या होती है, मांग के प्रकार के बारे में बताया, मांग की डिमांड सॉरी मांग की लोच के बारे में भी बताया हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है कि फर्नीचर की मांग है, तो फर्नीचर आप लोग सोचिए कि हम लोग जैसे मान लो कि सब्जियाँ हैं, ठीक है, तो सब्जियाँ तो हम लोग ऐसी मांग जो हम लोग बार बार मांगे तो उसे बोलते हैं हम लोग कैसी मांग, उपभोक्ता मांग बोलते हैं, जो बार बार मांगे। और स्थायी मांग उसे बोलते हैं हम लोग, फर्नीचर जैसे हैं, फर्नीचर मैंने आज लगवा लिया, ठीक है, मान लो हम लोगों ने कोई सेटअप लगवा लिया, बच्चों को पढ़ाने के लिए फर्नीचर ले लिया। अब उसमें क्या है कि अब हम लोगों को बार बार फर्नीचर तो लेना नहीं है, तो हम लोगों की जो ये मांग कहलाएगी तो हम लोगों की एक तरीके से वो स्थायी मांग के अंतर्गत आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो स्थायी मांग भी होगा और उपभोक्ता मांग भी होगा, तो इसका राइट आंसर होगा
दोनों होगा, तो स्थायी मांग और उपभोक्ता मांग, ये दोनों बातें होगी, तो इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन, मेरे को सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि तो इस ऑप्शन में पहले और दूसरे की बात की गई है, और पहला और दूसरा ये पॉइंट है, ये तीसरा नंबर है, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा कि आगे पीछे पॉइंट में लिखे हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि अपर्याप्त अंशों के पुनर्निर्गमन के लिए, मतलब कि जो हम लोगों ने जो हरण किए हैं शेयर को, फॉरफीचर किए हैं, उनके पुनर्निर्गमन के पश्चात, पुनर्निर्गमन के पश्चात अंश अपहरण खाते का शेष कहाँ हस्तांतरित किया जाता है, मतलब कि किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है, उसे हम लोग सामान्य संचय खाता बोलते हैं, लाभानि खाता बोलते हैं, प्रतिभूति प्रीमियम खाता बोलते हैं, या फिर पूंजी संचय खाता बोलते हैं। तो हम लोग जो है फॉरफीचर करते हैं शेयर का, और उसके बाद जो अमाउंट बचती है हमारी, तो उसको हम लोग कहाँ डालते हैं, शेयर कैपिटल में बाहर डालते हैं, तो कैपिटल रिजर्व में डालते हैं, उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व अकाउंट टू में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, ये फॉरफीचर अमाउंट ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। तलपट का उद्देश्य पुस्तकों की शुद्धता की जांच करना होता है, तलपट का जो उद्देश्य होता है वो पुस्तकों की शुद्धता की जांच करना होता है। देखते हैं हम लोग आगे कि सही नहीं हमसे पूछा गया है। तलपट अंतिम खाते तैयार करने के लिए आधार प्रदान करता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। सैद्धांतिक अशुद्धियाँ तलपट के तालमेल को प्रभावित नहीं करती हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर अशुद्धियाँ का आप लोगों को एरर के क्वेश्चन करने हैं, तो मैंने एरर की क्लास भी ली हुई है, अशुद्धियाँ कितने प्रकार की होती हैं, कौन सी अशुद्धि पर तलपट पर प्रभाव पड़ता है और कौन सी अशुद्धि से तलपट प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसकी भी क्लास ली हुई है। क्षतिपूर्ति अशुद्धियाँ, देखिए क्षतिपूरक अशुद्धियाँ कौन सी होती हैं, ये भी मैंने बताया हुआ है, समकालिक अशुद्धियों के नाम से भी जानी जाती हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो है कि तलपट का कौन सा, मतलब इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो तलपट का उद्देश्य पुस्तकों की शुद्धता की जाँच करना है, तो ये बात बिल्कुल गलत होती है कि तलपट का उद्देश्य जो होता है पुस्तकों की जाँच करना नहीं होता है, बल्कि अंक गणितीय शुद्धता की जाँच करना होता है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि श्रीमान एक्स एक्स TSS के विपणन प्रबंधक हैं, ये मतलब कि जो श्रीमान जो हैं वो एक्स कंपनी के हैं, श्रीमान जो एक्स हैं, मतलब एक एक्स लोग हैं, उनका नाम है एक्स, ठीक है, वो TCS कंपनी के विपणन प्रबंधक हैं, तो वो कौन से मतलब आएंगे, किस स्तर पर आएंगे, वो प्रथम स्तर के प्रबंधक हैं, मध्यम स्तर के प्रबंधक हैं, स्टेशनरी खाते में, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया हुआ है और इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है तो वो बिल्कुल सही नहीं दिखे हुए हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि श्रीमान एक्स TCS के प्रबंधन प्रबंधक हैं, तो वो कैसे प्रबंधक हैं, तो आप लोग बताएंगे कि वो मध्यम स्तर के प्रबंधक हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि मैसर्स स्टेशनरी मार्ट द्वारा, मतलब कि कोई मैसर्स स्टेशनरी मार्ट है के द्वारा क्रय की गई स्टेशनरी को डेबिट किया जाएगा, मतलब कि हम लोग जो उन्होंने परचेज की हुई है स्टेशनरी को किस खाते में डेबिट किया जाएगा, सामान्य व्यय खाते में डेबिट किया जाएगा, क्रय खाते में डेबिट किया जाएगा, स्टेशनरी खाते में डेबिट किया जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, कि मैसर स्टेशनरी मार्ट द्वारा क्रय की गई स्टेशनरी को डेबिट किया जाएगा, किस खाते में डेबिट किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर है कि वो सामान्य व्यय खाते में डेबिट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि पुस्तक पालन का मुख्य उद्देश्य होता है, बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, कि लाभ तथा हानि ज्ञात करना, मेन ऑब्जेक्ट की बात की गई है, तो इसका मेन ऑब्जेक्ट हम लोगों को बताना है कि व्यावसायिक लेन देनों के सही एवं पूर्ण अभिलेखन करना, तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, तो इसीलिए ये ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संपत्तियों और दायित्वों के बारे में इसमें बात तो हम लोगों को नहीं दर्शाई जाती है, क्योंकि वो कहाँ दर्शाई जाती है, वो दर्शाई जाती है, ये बात जो है वो कहाँ दर्शाई जाती है, आर्थिक चिट्ठे में दर्शाई जाती है, बैलेंस शीट में दर्शाई जाती है, इसलिए ये ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। व्यावसायिक लेन देनों की शुद्धता का परीक्षण करना, ये बात भी बिल्कुल गलत है कि व्यावसायिक लेन देनों का नहीं, अंक गणितीय लेन देनों का
मैंने बात की हुई है, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 13वां नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सामान्यता सामान्यता उत्पादकों उत्पादों के विक्रय से हुई आय, मतलब कि उत्पादों के विक्रय से हुई आय उस अवधि की आय के रूप में दिखाई जाती है जिसमें जिसमें हम लोग इसका जो आय पूरा लिख लेते हैं, जिसमें बिक्री हुई है, रोकड़ प्राप्त की हुई है, आदेश की प्राप्ति हुई है या फिर चेक की प्राप्ति हुई है। सामान्यतः उत्पादों की बिक्री से आय उस अवधि की आय के रूप में दिखाई जाती है जिसमें बिक्री हुई है या फिर रोकड़ प्राप्त हुई है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि 13 का नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जैसे मान लो कि मेरी बिक्री हुई है आज, ठीक है, मान लो उधार हुई है, अब वो मान लो कि वो रुपया देगा एक महीने बाद, तो एक महीने बाद देगा ना, तो वो हम लोगों की जो आय आय मानेंगे तो हम लोग आज की आय मानेंगे क्योंकि बिक्री तो हो गई ना। अब थोड़े दिनों बाद मान लो एक महीने बाद पैसे आएंगे, लेकिन ये निश्चित है कि आएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो जिस दिन बिक्री हुई है उसी को हम लोग मानते हैं, उसी दिन हम लोग अपनी आय को मानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा का एक लक्षण है, मतलब कि एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा जो होती है उनको एक लक्षण बताया गया है कि भारी विज्ञापन करना। उसके बाद लिखा हुआ है कि अंतर्निर्भर फर्म या फिर गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा या फिर मूल्य प्रतिस्पर्धा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा का एक लक्षण होता है। अब एकाधिकारिक की बात आती है तो इसमें जगह होता है कि इसमें जो होते हैं विक्रेता बहुत होते हैं, जो विक्रेता बहुत होते हैं लेकिन उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो सारे के सारे अलग होते हैं, अब इसी को बोलते हैं एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा। तो इसका जो राइट आंसर है कि लक्षण जो है वो गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा होती है, तो इसका राइट आंसर है सेकंड नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लगा हुआ है, देखिए आप लोग कहेंगे कि सेकंड नंबर जो है वो थर्ड नंबर से ऊपर है, लेकिन इनके क्रम ऊपर नीचे हो गए हैं, लेकिन कोई नहीं, हम लोग इतना भी कर लेंगे। सेकंड नंबर इसका सही आंसर है, गैर मूल प्रतिस्पर्धा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि सम विच्छेद विश्लेषण का कैसा माना जाता है, सम विच्छेद विश्लेषण को कैसा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लागत मात्रा लाभ विश्लेषण माना जाता है, लाभ लागत लाभ विश्लेषण माना जाता है, वृद्धिशील विश्लेषण माना जाता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं माना जाता है, सम विच्छेद विश्लेषण। अब आप लोग कहेंगे कि सम विच्छेद विश्लेषण होता क्या है, तो हम लोग इसकी बात भी कर लेते हैं कि सम विच्छेद विश्लेषण जो ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें जब एक वित्तीय विश्लेषक किसी उत्पादन प्रक्रिया की लागत मात्रा और विक्रय, मतलब तीन चीज़ें, कोई मान लो कि कोई सामान बनाता है तो उसमें तीन चीज़ें देखता है कि लागत देखे, उसकी विक्रय की मात्रा देखे, विक्रय मूल्य देखे और लाभ भी देखे। तो इसी को बोलते हैं लागत मात्रा लाभ का विश्लेषण करता है। सम विच्छेद विश्लेषण जो होता है उसमें तीन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, एक तो लागत का, दूसरा विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का, और तीसरा होता है लाभ का। तो इन तीनों का विश्लेषण जब किया जाता है तो उसमें उसी को बोला जाता है सम विच्छेद विश्लेषण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हम लोगों का पहला ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लागत मात्रा लाभ विश्लेषण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अशुद्ध तलपट को प्रभावित करती है, मतलब कि ऐसी अशुद्धि जो है, ऐसा एरर जो ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करता हो, उसका हम लोगों को बताना है कि पी से प्राप्त 1200 रुपये का प्राप्त विपत्र प्रविष्टि दे विपत्र दैनिक पुस्तक में 2100 की हुई, मतलब कि 2100 की गई। उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट में कि एक दिवालिया देनदार की संपत्ति से 300 उसके क्रेडिट कर दिए गए, जबकि गत वर्ष में इसे अपलिखित किया जा चुका था। उसके बाद लिखा हुआ है एक देनदार को दे 800 देनदारों की सूची में सम्मिलित करने से छूट गया है। पुराने मशीन से 700 रुपये उधार बेची, जिसकी प्रविष्टि विक्रय पुस्तक के माध्यम से की गई है। तो ऐसी अशुद्धि बतानी है जो इसको प्रभावित करती है। तो आप लोग देखिए कि ऐसी अशुद्धि जो है वो देनदार वाली है, कोई देनदार को दिए थे 800 रुपये, देनदार सूची में शामिल करने से छूट गए, और देनदार जो होते हैं वो हम लोगों के डेप्टर्स होते हैं।
अब डेप्टर्स हम लोगों के जब आएंगे नहीं तो हम लोगों की अशुद्धि जो है तलपट को प्रभावित जरूर करती है, क्योंकि इसने एक ही पक्ष को प्रभावित किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड नंबर, इसको सही आंसर हो जाएगा कि एक देनदार को ऐसी अशुद्धि जो इसमें होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि यदि बैंक खाते का डेबिट पक्ष, यदि बैंक खाते का डेबिट पक्ष क्रेडिट पक्ष से अधिक है तो यह क्या इंगित करता है। मतलब कि बैंक खाते का जो है वो डेबिट पक्ष क्रेडिट पक्ष से अधिक है, मतलब कि डेबिट पक्ष ज़्यादा है क्रेडिट पक्ष से, तो आप लोग बताइए कि ये क्या इंगित करता है। डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट से, तो आप बताइए कि बैंक अधिविकर्ष मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट इंगित करता है, बैंक में शेष को इंगित करता है मतलब कि बैलेंस इन कैश बैलेंस इन बैंक, या फिर कैश बैंक में नगद की बात करता है, या फिर चालू संपत्ति की बात करता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो आप लोग याद रखिए कि अगर बैंक का डेबिट शेष क्रेडिट शेष से हम लोगों का अधिक होता है तो मतलब बैंक ने हमें रुपए दिए होंगे, और बैंक ने रुपए दिए होंगे तो बैंक लोन कहलाएंगे, और बैंक लोन को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, और बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि बैंक अधिविकर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बात आती है कि बैंक शेष की बात की आती है, एक होता है कि शेष, याद रखिए कि शेष हम लोगों के दो प्रकार के होते हैं, शेष दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं शेष, तो शेष होते हैं एक होता है हम लोगों का पासबुक का शेष, पासबुक एक होता है पासबुक का शेष, और एक होता है हम लोगों का बैंक का शेष। एक कैसा होता है कि एक होता है हम लोगों का पासबुक, तो बैंक ही हो गया ना, तो पासबुक कौन बनाएगा, बैंक बनाएगा। और दूसरा जो होता है वो होता है हम लोगों का, हम लोग जो घर पे बनाते हैं उसे बोलते हैं हम लोग कैश बुक का शेष, क्या बोलते हैं, दूसरा होता है कैश बुक रोकड़ पुस्तक का शेष, कैश बुक का शेष, कैश बुक का शेष। हम लोग इन शेषों की भी बात करेंगे आगे आने वाली क्लासों में, हम लोग इन पर भी बात करेंगे, ठीक है, कि शेष कितने होते हैं और किस प्रकार से होते हैं, कौन सा शेष कब होता है तो उसको क्या बोलेंगे और उसको क्या बोलेंगे। तो इस प्रकार से भी आप लोगों को ऐसे ही आगे क्लासें मिलती रहेंगी। अगर आप लोग कमेंट कीजिए कि हम लोग यहीं पर डिस्कस करें तो आप लोग बताइए, और अगर हम लोग सीधे सीधे जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप लोग बता दीजिएगा, क्योंकि हम आपके कमेंट जरूर कर देखते हैं कि आप लोगों को क्या चाह होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 में कि फर्नीचर व्यापारी द्वारा गई फर्नीचर की नगद बिक्री, मतलब कि फर्नीचर की व्यापारी द्वारा की गई फर्नीचर की नगद बिक्री, मतलब कि की गई फर्नीचर की नगद बिक्री को डेबिट किया जाएगा, कौन से खाते में डेबिट किया जाएगा, रोकड़ खाते में, बिक्री खाते में, फर्नीचर खाते में, या फिर इनमें से कोई नहीं। मान लो कि कोई फर्नीचर का व्यापारी है, मान लो मैं व्यापारी हूँ फर्नीचर का और मैंने फर्नीचर की नगद बिक्री कर दी, तो उसको हम लोग किस में लिखेंगे, रोकड़ खाते में लिखेंगे, बिक्री खाते में लिखेंगे, फर्नीचर खाते में लिखेंगे, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं में लिखेंगे। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हम लोग देखिए यहाँ से कि हम लोगों ने मान लो कि फर्नीचर की नगद बिक्री, ये हम लोगों की एंट्री है कि फर्नीचर की नगद बिक्री। अब नगद बिक्री को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप लोगों ने कहा है कि नगद बिक्री को बोलते हैं सेल्स, और सेल्स हमेशा हम लोग कहाँ रखते हैं, क्रेडिट में। अब फर्नीचर की नगद बिक्री की है तो फर्नीचर में हम लोगों को फर्नीचर तो गया है लेकिन आया क्या है हम लोगों से, कैश। तो हम लोग एंट्री डालेंगे जो चीज़ आती है, मतलब कि व्हाट कम्स हम लोगों के डेबिट होते हैं, तो व्हाट कम्स में हम लोगों के पास क्या आती है, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट। और हम लोगों को क्रेडिट पक्ष हम लोगों ने छांट ही लिया है तो वो क्या है, सेल्स है, तो उसको लिखेंगे सेल्स। तो हम लोग करेंगे क्या कि बीइंग नरेशन लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर सोल्ड या सेल्स, एक ही बात है, बीइंग फर्नीचर सेल्स। तो हम लोगों ने एंट्री क्या की है कि हम लोगों ने देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है कि हम लोगों से पूछा गया है कि डेबिट किया जाएगा, तो कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा, तो आप लोगों ने कहा है रोकड़ खाता डेबिट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मुद्रा के मूल्य में तात्पर्य, मुद्रा के मूल्य से क्या तात्पर्य है। तो मैंने मनी एंड बैंकिंग की क्लास ली हुई है, मनी के बारे में बताया हुआ है कि मुद्रा के कौन कौन से मूल्य होते हैं, उनको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि मुद्रा के मूल्य से तात्पर्य क्या है। मुद्रा के माध्यम से खरीदे गए स्वर्ण से, मुद्रा की सामान्य क्रय शक्ति से, मुद्रा की मांग से, या फिर मुद्रा में अंतर्निहित मूल्य से। तो मुद्रा के मूल्य से जो है वो, उसको राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि मुद्रा के जो मूल्य से होता है तो उसकी बात आती है मुद्रा की क्रय शक्ति,
और क्रय शक्ति की बात आती है। जैसे कि मान लो हम लोगों ने कोई आइसक्रीम 1 रुपए की 4 खरीदी, और अब थोड़ी आइसक्रीम महंगी हो गई है, तो अब हो गई है कि 10 रुपए की आइसक्रीम जो हो गई है वो होती है हम लोगों की 1। तो आप लोग ये क्रय शक्ति है कि पहले हम लोग 1 रुपए में 4 आइसक्रीम खरीद लेते थे, और अब 10 रुपए में हम 1 आइसक्रीम खरीद पा रहे हैं। तो मुद्रा की क्रय शक्ति में क्या हुआ है? तो मुद्रा की क्रय शक्ति में घटी है। देखिए ध्यान से, मुद्रा की क्रय शक्ति जो है वो परचेजिंग पावर कम हुई है, क्योंकि देखिए 1 रुपए में पहले 4 चीज़ें खरीद लेते थे, अब 10 रुपए में 1 चीज़ खरीद पा रहे हैं। तो मुद्रा की क्रय शक्ति में क्या हुआ है? कमी हुई है। तो इसी को बोलते हैं क्रय शक्ति में। ठीक है, क्रय शक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का दूसरा नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का जनक, सॉरी, अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? मैक्स मूलर को, कॉल मार्क्स को, एडम स्मिथ को, या फिर सैम वेल्सन को? तो अर्थव्यवस्था को जो जनक माना जाता है, तो वो बताइए आप लोगों को किसे माना जाता है? तो अर्थव्यवस्था हो या फिर अर्थशास्त्र हो, इकोनॉमिक्स हो या फिर इकोनॉमी हो, तो अर्थव्यवस्था का जनक जो माना जाता है वो एडम स्मिथ को माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं मैंने आप लोगों को क्लास में, कि लघुकार का आशय है। लघुकार का मतलब होता है रॉयल्टी में शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग। और रॉयल्टी कहाँ होती है हम लोगों की? बीकॉम में होती है, फर्स्ट ईयर में होती है, फर्स्ट सेमेस्टर में होती है। तो इसका पूछा गया है कि लघुकार का आशय है अधिकार शुल्क पर न्यूनतम किराए का अधिक, अधिकार शुल्क पर न्यूनतम किराए का अधिक, न्यूनतम किराए पर अधिकार शुल्क का अधिक, या फिर अधिकार शुल्क का अधिक, या फिर न्यूनतम किराए पर वास्तविक शुल्क का अधिक। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि अधिकार शुल्क जो होता है उसे शॉर्ट वर्किंग बोलते हैं, शॉर्ट वर्किंग। अब शॉर्ट वर्किंग से आप लोग ध्यान से रखिए कि शॉर्ट का मतलब होता है कि हम लोगों ने कोई काम हो है वो नहीं किया होगा, या फिर काम हम लोगों का उस हिसाब से नहीं हो पाया होगा जिस हिसाब से हम लोगों को करना था। अब मान लो कि हम लोगों को मिनिमम रेंट है मान लो 10,000 रुपये। ठीक, ये है हम लोगों का क्या है, ये है मिनिमम रेंट, और ये है हम लोगों की मान लो रॉयल्टी। और रॉयल्टी का मतलब होता है कि हम लोगों ने जितना काम किया है और उस हिसाब से हम लोगों को कितना रेट से हम लोगों को पे करना है। मान लो रॉयल्टी बनी हम लोगों की 5 रुपये, 5,000 रुपये। ठीक है, अगर आप लोगों को ये क्लास देखनी है रॉयल्टी की, तो मैंने रॉयल्टी की क्लास 2 ली हुई है, एक क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2। आप लोग उन दोनों को क्लास को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रखा है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। रॉयल्टी की क्लास ली हुई है, ब्रांच की क्लास ली हुई है, डिपार्टमेंट की क्लास ली हुई है, इंश्योरेंस की क्लास ली हुई है, इधर की क्लास ली हुई है, जर्नल की 3 क्लास ली हुई है, ट्रायल बैलेंस की क्लास ली हुई है, लेजर की क्लास ली हुई है, ये सारी क्लासें मैंने ली हुई हैं। बस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में देखना है जाके, कुछ नहीं करना आप लोगों को बस। और आप लोग कमेंट कीजिए तो मैं आप लोगों को कमेंट में आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। कि लघुकार का आशय, लघुकार का आशय होता है कि जो अधिकार शुल्क होती है, जो मिनिमम किराया, मिनिमम रेंट होता है, उसका जो अधिक होता है इस पर। तो जो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग है, तो यहाँ पे आएगा कि शॉर्ट वर्किंग 5,000 रुपये। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का कि इसका राइट आंसर होगा कि अधिकार शुल्क पर न्यूनतम किराए का अधिक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि न्यूनतम किराया ज़्यादा है किससे? अधिकार शुल्क से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 में कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कैसा है? बढ़ रहा है, घट रहा है, स्थिर है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है कि भारतीय जो कृषि में वो दिन प्रतिदिन जो है भारत की कृषि में वो घट रहा है। प्राचीन काल की बात करें तो ये तो बढ़ रहा था, लेकिन बहुत दिनों से ये घट रहा है। तो ये जो है अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान घट रहा है, इसका जो मेन कारण है वो है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण जो है वो इसका मेन कारण है, क्योंकि हम लोगों की जो लैंड है, वो जमीन जो है, वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत आबादी बढ़ने से भी कुछ हुआ है, और आप लोगों ने देखा होगा कि औद्योगिकरण घटने से भी हुआ है। तो इसका जो योगदान है वो दिन प्रतिदिन घट रहा है, और औद्योगिकरण का क्षेत्रफल जो है वो बढ़ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है कि विक्रय बही एक अभिलेख है। विक्रय बही एक कैसा अभिलेख है? विक्रय बही को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में सेल्स बुक। सेल्स बुक कैसा अभिलेख है? वस्तु केवल वस्तुओं की नगद बिक्री का, केवल वस्तुओं की नगद बिक्री का, केवल संपत्तियों की बिक्री का, केवल वस्तुओं की उधार बिक्री का, या फिर सभी विक्रयों का। तो आप लोग याद रखिएगा कि सेल्स बुक में हम लोग सिर्फ
सेल्स बुक में सिर्फ हम लोग केवल उधार जो होती हैं, उधार वस्तुओं की जो है बिक्री को हम लोग इसमें लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा केवल वस्तुओं की उधार बिक्री का, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि केवल वस्तुओं की उधार बिक्री का हम लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रलेखों में कौन सा प्रलेख नगद बिक्री प्रमाणन के लिए प्रासंगिक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रलेख जो होता है वो कैश वाउचिंग के लिए प्रमाणिक नहीं है। दैनिक नगद बिक्री संक्षेप, ग्राहकों को भेजा गया मासिक विवरण, विक्रयकर्ता द्वारा दिया गया विवरण, या फिर बैंक विवरण। तो इसका राइट आंसर है कि ग्राहकों को भेजा गया मासिक विवरण जो है वो इसका राइट आंसर नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रलेखों में से कौन सा प्रलेख नगद बिक्री प्रमाणन के प्रसंग नहीं है। ये ऑप्शन जो है, ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग सेकेंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है कि किसी व्यवसाय की आय क्षमता को बढ़ाने के लिए, किसी व्यवसाय की आय क्षमता को बढ़ाने के लिए व्यय की गई राशि कैसी राशि होती है। तो वो होती है पूंजी हानि होती है, स्थगित राजस्व व्यय होती है, पूंजीगत व्यय होती है, या फिर राजस्व व्यय होती है। तो हम लोगों ने इनके व्यय के प्रकार भी किए हुए हैं कि व्यय होते हैं हम लोगों के अक्सर करके 2 या 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हम लोगों के व्यय जो होते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में व्यय के बारे में भी करेंगे। एक होते हैं हम लोगों के पूंजीगत व्यय, एक होते हैं आयगत व्यय, और एक होते हैं आय स्थगित राजस्व व्यय। तो हम लोग इन पर भी हम लोग क्लास लेकर आएंगे। अगली क्लास में हम लोग और भी अच्छी क्लास है, वन बाई वन आप लोगों को टॉपिक वाइज क्लासें ऐसे ही मिलती रहेंगी। बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करना है। तो इसका जो राइट आंसर है कि इसका राइट आंसर है कि व्यवसाय की हम लोगों ने मान लो कि आय क्षमता बढ़ानी है। मान लो कि कोई मशीन लगी हुई है, तो ये मशीन अच्छी वर्क नहीं कर रही है, तो हम लोगों ने इससे अच्छी मशीन, बड़ी मशीन लगवाना चाहते हैं। तो इसमें क्या है, ये व्यय है। अब व्यय है तो ये ऐसा व्यय है जो आय क्षमता को बढ़ाएगा, और आय क्षमता को बढ़ाएगा तो ये होता है हम लोगों का, कि हम लोगों का होता है पूंजीगत व्यय कहलाता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि तीसरा ऑप्शन नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है कि धन एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके चारों तरफ आर्थिक विज्ञान घिरा हुआ है, यह कथन किसका है। तो यह जो कथन है, तो ये कथन दिया था कि मार्शल साहब ने दिया था, अल्फ्रेड मार्शल साहब ने। तो इसमें जो कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, तो ये बात कही थी कि जो धन होता है उसके केंद्र बिंदु चारों तरफ आर्थिक विज्ञान घिरा हुआ तो होता है, इकोनॉमिक जो साइंस होता है वो चारों तरफ इसके घिरा हुआ होता है। तो ये बात कही थी अल्फ्रेड मार्शल साहब ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 27, और 27 में लिखा हुआ है कि किस बाजार संरचना में, कौन सी बाजार संरचना में मांग पूर्णता लोचशील है। कौन सी बाजार संरचना में मांग पूर्णता लोचशील होती है। इसका ऑप्शन जो है, तो इसके ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए कि द्वि अधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, या फिर अल्पाधिकार। तो किस बाजार संरचना में मांग पूर्णता लोचशील होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का कि यह होती है हम लोगों की पूर्ण प्रतियोगिता की बात में, मांग जो होती है पूर्णता लोचशील होती है। अब आप लोगों की जो मांग की बात है, कि लोच की बात आती है, मांग की लोच की बात आती है, तो मांग की लोच होती है 5 प्रकार की। अब 5 प्रकार की कौन कौन सी होती है, तो ये क्लास बड़ी हो जाएगी, तो आप लोग वहाँ से, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, उनको आप लोग देख लीजिएगा। इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट है पूरी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 28 में कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद, इस नियम के प्रतिपादक हैं। तो ये जो है, ये नियम कौन सा है, तो ये नियम है ग्रेसम नियम, और ग्रेसम का नियम मनी एंड बैंकिंग में मैंने कराया हुआ है। तो ये बात कही थी थॉमस ग्रेसम साहब ने, उन्होंने कहा था कि जो अच्छी बुरी मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। तो ये बात कही थी ग्रेसम साहब ने, और मैंने बताया हुआ है, पूरी एक अलग से क्लास ली हुई है इस क्वेश्चन पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 30 में कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता कहलाती है। तो उसको बोलते हैं हम लोग सीमांत उपयोगिता कहते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं देखना है, बस
वीडियो को जरूर जरूर देखना है। तो सीमांत उपयोगिता उसको कहते हैं, कुल उपयोगिता भी नहीं कहते उसको, हम लोग कहते हैं एक अतिरिक्त इकाई। तो अतिरिक्त इकाई के बारे में बात करेंगे हम लोग, सीमांत उपयोगिता के बारे में भी हम लोग अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे, इकोनॉमिक्स में सीमांत उपयोगिता क्या होती है। तो इसको बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। उसके बाद लिखा हुआ है कि, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रमाणन का संबंध है। प्रमाणन का संबंध होता है लेन देनों की आधिकारिकता एवं प्रमाणिकता से, प्रलेखीय साक्ष्यों की वैधता से, पुस्तकों के अभिलेखित प्रविष्टियों और खतौनियों की शुद्धता से, या फिर उपरोक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि प्रमाणन का मतलब होता है वाउचिंग, और वाउचिंग की मैंने ऑडिटिंग में ये क्लास ली हुई है कि ऑडिटिंग का ये पार्ट है, ठीक है। तो आप लोग ऑडिटिंग में देख लेना कि मैंने वाउचिंग करके एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, मतलब कि ऑडिट करके उसमें 7-8 क्लास कर ली हुई है, और पूरा सिलेबस जो है ऑडिट का वो खोखरा दिया था। तो आप लोग वहाँ से देख लग सकते हैं कि लेन देनों की आधिकारिकता एवं प्रमाणिकता से, ये बात बिल्कुल को सही है प्रमाणन की। वाउचिंग का मतलब होता है, जैसे मान लो कि हम लोग बैंक में जब जमा करते हैं वाउचर को, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब रुपये जमा करते हैं तो उसमें एक पर्ची भरते हैं, और उस पर्ची को या तो हम लोग अगर पैसा निकालते हैं तो विड्रॉल बोलते हैं, और जब जमा करते हैं तो डिपॉजिट बोलते हैं। तो जो पर्ची भरते हैं उसी को बोलते हैं वाउचर, और वाउचर से बना है वाउचिंग। तो लेन देनों की आधिकारिकता एवं प्रमाणिकता से, उसी से वाउचर से हम लोग प्रमाणित कर देंगे कि इसने बंदी ने इस गाड़ी को रुपए डाले हैं कि नहीं डाले हैं। प्रलेखीय साक्ष्यों से, ये साक्ष्यों के रूप में भी काम आता है। पुस्तकों में अभिलेखित प्रविष्टियाँ एवं खतौनियों की शुद्धता से, ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो प्रविष्टि की गई है तो वो कहाँ से की गई है, उन वाउचरों से की गई है, उपरोक्त में से सभी से। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 31 में कि निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक आंकड़े संग्रह करने की विधि नहीं है। मतलब कि प्राथमिक आंकड़े की बात कही है स्टैटिक्स में। तो स्टैटिक्स में आंकड़े होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं प्राथमिक आंकड़े और एक होते हैं द्वितीयक आंकड़े। तो संग्रह करने की विधि कही गई है, स्रोत की बात कही गई है, तो प्रत्यक्ष साक्षात्कार प्राथमिक आंकड़े करने की विधि नहीं है। तो प्रत्यक्ष साक्षात्कार तो बिल्कुल करते हैं हम लोग, परोक्ष साक्षात्कार, राष्ट्रीय साक्षात्कार, या फिर प्रश्नावली पद्धति। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का कि हम लोग किस से नहीं करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हम लोगों का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो आंसर हो जाएगा कि प्राथमिक आंकड़े जो होते हैं वो राष्ट्रीय साक्षात्कार से हम लोग नहीं कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 32 में कि निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपिकीय त्रुटि नहीं है। लिपिकीय त्रुटि नहीं होती है चूक की त्रुटि, कारण की त्रुटि, सिद्धांत की त्रुटि, या फिर क्षतिपूरक त्रुटि। तो ये जो होती हैं, तो ये तो होती हैं हम लोगों की चूक में जो त्रुटि होती है वो लिपिकीय त्रुटि नहीं कहा जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का, एक सेकेंड, हम लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपिकीय त्रुटि नहीं है। तो जो होता है कि सैद्धांतिक जो होती है वो लिपिकीय त्रुटि नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर है कि सिद्धांत अगर मान लो कोई नहीं जानता है तो इसके बारे में, तो वो त्रुटि को हम लोग नहीं मानेंगे। तो इसका राइट आंसर है सिद्धांत की त्रुटि को लिपिकीय त्रुटि नहीं कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पूंजी का वह हिस्सा जिसमें कंपनी के समापन के समय मांगा जाता है, मतलब कि पूंजी कितने प्रकार की होती है। एक होती है हम लोगों की अधिकृत पूंजी होती है, निर्गमित पूंजी होती है, प्राथित पूंजी होती है, संचित पूंजी होती है। तो इनके बारे में अभी हम लोग क्लास को करेंगे। तो पूंजी का वह हिस्सा जो समापन के समय मांगा जाता है तो उसे आरक्षित पूंजी कहते हैं, आयाचित पूंजी कहते हैं, निर्गत पूंजी कहते हैं, या फिर अधिकृत पूंजी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उसे रिजर्व कैपिटल कहते हैं, आरक्षित पूंजी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लैटिन शब्द ऑडियर का अर्थ है सुधारने के लिए, हिम्मत करने के लिए, सुनने के लिए, यहाँ तक। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का चौथे का जो आंसर है वो है सुनने के लिए। ये हमने क्वेश्चन को कराया हुआ है आप लोगों को ऑडिट की क्लास में। अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है, ये भी क्लास में कराया हुआ है कि अंकेक्षण के उद्देश्य की बात की गई है, कि अंकेक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है। मूल प्रविष्टियों का अभिलेखन करना, वित्तीय विवरणों का सत्यापन करना, त्रुटियों का पता लगाना, धोखाधड़ी का पता लगाना।
तो इसका राइट आंसर बताना है आप लोगों को कि कौन सा जो उद्देश्य होता है वो अंकेक्षर का नहीं होता है, तो अभिलेखन नहीं करता है बस, वो मतलब कि वो मूल प्रविष्टियाँ जो होती हैं उनको लिखता नहीं है, अंकेक्षर जो है उनकी जांच करता है, तो ये बात जो है वो नहीं होती है, बाकी की तीन बातें जो होती हैं वो अंकेक्षर करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसी कंपनी में आंतरिक अंकेक्षर की नियुक्ति की जाती है, आंतरिक अंकेक्षर की नियुक्ति क्यों की जाती है और किसकी की जाती है, संचालक मंडल के द्वारा, अंशधारियों द्वारा, सरकार द्वारा या फिर लेनदारों द्वारा। तो आंतरिक अंकेक्षर की नियुक्ति क्यों करता है, तो वो अंशधारी लोग करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, सॉरी संचालक मंडल जो है वो अपनी अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर है कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अधिकार शुल्क खाते के अंतर्गत, अधिकार शुल्क खाते के अंतर्गत, रॉयल्टी खाते के अंतर्गत यदि कुछ अवधि के लिए हड़ताल होती है तो अधिकार शुल्क आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाता है, अधिकार शुल्क को हम लोग कम कर देते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। लघुकार में आनुपातिक रूप से कमी कर दी जाती है, लघुकार में आनुपातिक रूप से कमी कर दी जाती है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। न्यूनतम किराया आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब सहायक पहिया मतलब कि जब सब्सिडरी बुक्स रखी जाती हैं तब ग्राहकों की विशेष छूट की प्रविष्टि की जाती है, कौन सी विशेष मतलब कि किस में हम लोग करते हैं, जर्नल में करते हैं, विक्रय बही में करते हैं, नगद बही में करते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं में करते हैं, कोई नहीं मतलब इसमें लिखा हुआ है। तो 38 में का ऑप्शन आप लोगों को बताना है, तो हम लोगों को विशेष जो छूट होती हैं तो वो उनको हम लोग लिखते हैं जर्नल में, तो इसका राइट आंसर है जर्नल, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ है कि अंकेक्षण द्वारा किए जाने वाले कार्य की योजना कहलाती है, अंकेक्षण प्रणाली कहलाती है, अंकेक्षण सर्वेक्षण कहलाता है, अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाता है, अंकेक्षण दिशा निर्देश कहलाते हैं। तो 39 में का ऑप्शन आप लोगों को बताना है कि 39 में का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो वो योजना जो कार्य करने के लिए बनाता है तो वो अंकेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 40 में कि नियत क्रमबद्ध संख्याओं का मध्य मूल्य क्या कहलाता है, तो हम लोग उसको कहते हैं नियत संख्याओं का मध्य मूल्य जो होता है उसे माध्यिका कहते हैं। माध्यिका में होता क्या है कि सभी को सभी क्रम से पहले लगाया जाता है और उसमें फिर फॉर्मूला लगाया जाता है, एन प्लस 1/2 या फिर n/2, ये डिपेंड करता है सीरीज के ऊपर कि कौन सी सीरीज होती है। तो 40 में का जो ऑप्शन होगा वो होगा हम लोगों का माध्यिका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा हुआ है कि आय एवं व्यय खाते द्वारा प्रकट होने वाले अधिक अथवा कमी को आंतरित किया जाता है, आय एवं व्यय खाते वाले को हम लोग किस में डालते हैं, प्राप्ति एवं भुगतान खाते में डालते हैं, लाभानि खाते में डालते हैं, पूंजी खाते में डालते हैं या फिर पूंजी निधि खाते में डालते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का कि उसको हम लोग डालते हैं पूंजी निधि खाते में डालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा हुआ है कि प्रबंधन हर जगह अधिशासी नेतृत्व का कार्य है, यह परिभाषा दी है। तो ये जो परिभाषा दी थी, तो ये परिभाषा दी थी हमारे आर सी डेविस द्वारा, तो आर सी डेविस इसके सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती है, तो तलपट के प्रभाव को प्रभावित जो है वो निक्षेपण एवं खतौनी संबंधी त्रुटि, तलपट से चूकी हुई राशि या फिर संपत्ति का व्यय के रूप में अभिलेखन, ये जो है या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, तो संपत्ति का योग जो है संपत्ति का व्यय के रूप में अभिलेखन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसी त्रुटि जो संपत्ति को हम लोगों ने व्यय के रूप में लिख दिया है, तो ऐसी त्रुटि हम लोग नहीं लिखते हैं, क्योंकि संपत्ति को हम लोग लिखते हैं डेबिट में और व्यय भी हम लोग डेबिट में, तो इसलिए इसको मिलान को प्रभावित नहीं करेगी। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अंकेक्षण रिपोर्ट देता है, अंकेक्षण रिपोर्ट किसे देता है, खातों की सत्यता की, खातों की निष्पक्षता की या फिर खातों की वैधता पर या फिर उपरोक्त सभी पर।
तो 44 में का आंसर आप लोगों को बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निरक्षर उपभोक्ताओं के लिए, निरक्षर मतलब कि ऐसे उपभोक्ता जो कुछ नहीं जानते हैं, वो कौन सा माध्यम उपयोगी होता है? प्रकाशन माध्यम उपयोगी होता है, प्रसारण माध्यम उपयोगी होता है, पोस्टर, होर्डिंग माध्यम, या फिर परगमन साधन होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि उसका राइट आंसर हम लोगों को होगा कि प्रसारण जो होता है उसके माध्यम से हम लोग उनके बारे में सूचना को उन तक पहुंचा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रश्नावली में सीधे वैकल्पिक प्रश्नों को उत्तर कितने होने चाहिए? तो एक प्रश्नावली में सीधे वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर कितने होने चाहिए? दो होने चाहिए, तीन होने चाहिए, कुछ नहीं, या फिर अनेक होने चाहिए? तो 46 में का आंसर आप लोगों को बताना है कि क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है उसमें लिखा हुआ है दो, और है वो, इसका राइट आंसर होगा सेकेंड नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है 47 नंबर क्वेश्चन में कि उत्पादक सेवाओं के आगतों की दर और निर्गत की दर के बीच संबंध कहलाता है। तो उत्पादकों के जो है आगत और निर्गत के बीच के संबंध को क्या कहलाता है? उत्पादन फलन कहलाता है, उपयोगिता फलन कहलाता है, आपूर्ति फलन कहलाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 47 में का जो आंसर होगा वो होगा हम लोगों का उत्पादन फलन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ई ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंपनी के पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले को क्या कहते हैं? कंपनी के पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले को अंशधारी कहते हैं, निदेशक, पार्षद सीमा नियम के लिए अभिदाता कहते हैं, या फिर प्रवर्तक कहते हैं? तो 48 में का आंसर बताना है तो उसे पार्षद सीमा नियम के अभिदाता कहते हैं। तो 48 में का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है आज का हम लोगों का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि मांग का नियम क्या कहलाता है? मांग का नियम कहता है कि कीमत एवं मांग के मध्य सदैव सीधा संबंध होता है, कीमत एवं मांग के संबंध सदैव विपरीत संबंध होता है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को मांग के नियम में ये क्वेश्चन कराया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह किसने कहा था? तो ये बात कही थी बॉक ने, रॉबर्टसन ने, क्राउथर ने, या फिर रिचर्डसन ने, रिचर्ड ने? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, तो ये बात कही थी बकर ने, ठीक है? तो इसका राइट आंसर है बकर, ठीक है? यहाँ पे बकर लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर है बकर। तो आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही हम लोग अगली क्लास में भी 50 क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन जो हैं इसमें से कुछ क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे भी लगे होंगे, कुछ क्वेश्चन ईजी भी लगे होंगे, तो उनको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, और मेरी जो क्लासें मैंने पीछे दी हुई हैं उनको ज़रूर ज़रूर ध्यान से आप लोग देख लीजिए। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए क्लास बनाता रहूँगा, आज भी क्लास और भी नेक्स्ट में क्लास आती रहेंगी, बस थोड़ा सा समय का अभाव रहता है इसलिए मैं कम आप लोगों के लिए क्लास बना पाता हूँ। डेली कह तो देता हूँ लेकिन बना नहीं पाता हूँ, उसके लिए सॉरी, लेकिन ऐसे ही आप लोगों को क्लास मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।